हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरियम टिक। दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट आ रहे थे कि पीईटी के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाना है वह लेटेस्ट वाला रहेगा या फिर उसका किस प्रकार से फॉर्मेट रहेगा। उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, जिनका भी पीईटी समाप्त हो चुका है और जो भी पीईटी क्वालिफाई किए हैं वे स्टूडेंट्स ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ताकि उनको पता चल सकेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के समय। तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल पर, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र एक सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे यदि आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे जो भर्ती के समय ही आया था, उसमें ही साफ साफ वेरिफिकेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में बता दिया गया है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम इसको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे यह बताया गया है कि जो भी एलिजिबिलिटी होगी छात्र की, उन एलिजिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे स्टूडेंट्स को या तो कक्षा 10 का एलिजिबिलिटी होगा तो कक्षा 10 का, या फिर कक्षा 10 के बाद आईटीआई होगा तो उसका। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का जो है डॉक्यूमेंट, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना है, प्लस यहाँ पे सेल्फ असिस्टेड जो है फोटोकॉपी भी, यहाँ पे अटेस्टेड फोटोकॉपी भी प्रोवाइड कराना है, यहाँ पे 2 फोटोकॉपी, ठीक है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उस पर जो है जहाँ पे खाली स्थान होगा वहाँ पे यदि आप सिग्नेचर कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हो जाएगा। तो वह चीज़ आपको प्रोवाइड कराना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उन सभी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, प्लस यहाँ पे फोटोकॉपी भी दो साथ में रखना है। और दोस्तों यहाँ पे साथ साथ लिखा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वह या तो इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए, इसके अलावा किसी अन्य भाषा में या किसी अन्य लैंग्वेज में यह डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि आपका अदर लैंग्वेज में है तो आप इसको जो है ट्रांसलेट करवा सकते हैं इंग्लिश में या फिर हिंदी में, क्योंकि इन्होंने केवल हिंदी और इंग्लिश में ही एक्सेप्ट करने के लिए कहा है बात को। यहाँ पे देख सकते हैं नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एडिशनल समय नहीं दिया जाएगा एक कैंडिडेट को, जो भी डीवी का समय होगा, जो भी टाइम दे प्रोवाइड कराया जाएगा बोर्ड की तरफ से, उसी टाइम पे सभी डॉक्यूमेंट ले आके प्रस्तुत करना है। मतलब आपको यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको बनवा लीजिए डीवी से पहले ही, क्योंकि आपको यह कह के छुट्टी नहीं मिलने वाली है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका हाई स्कूल है या फिर आईटीआई है उसके बारे में बताया गया है कि जो भी आईटीआई किए होंगे या फिर हाई स्कूल किए होंगे तो उसका आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है। और यहाँ पे एससी एसटी के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना है, जो कि यहाँ पे अभी हम अगले पॉइंट में देखेंगे किस फॉर्मेट में चाहिए ये चीज़। ओबीसी नॉन क्रिमी लेवल के लिए भी यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है, तो वो सभी देखेंगे, उसका फॉर्मेट देख सकते हैं। एससी के लिए फॉर्मेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहने वाला है, हम फॉर्मेट भी साथ साथ में देखते चल रहे हैं ताकि यहाँ पे क्लियर रहे। और दोस्तों आप यदि जो है यहाँ पे आपका नहीं बना है अभी तक एससी सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आप इसी फॉर्मेट में बनवाइएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ही ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे इस चीज़ में, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ओबीसी का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एससी एसटी का फॉर्मेट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी का, तो इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए एससी एसटी का जो है सर्टिफिकेट। आपको यह फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसी के अनुसार बनवाइएगा। और यहाँ पे यदि ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो इसी के फॉर्मेट में ही बनवाना है आपको, अदरवाइज दूसरे फॉर्मेट में ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दोस्तों नया वाला ही चलेगा, मतलब नया आपको बनवा लेना है, पुराना एक्सेप्ट नहीं होगा, नया वाला ही ये लोग मांगते हैं तो नया वाला ही चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट का, तो ये सभी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, जबकि जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट लगना नहीं है, और यहाँ पे जो है यह नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, ओबीसी के लिए यहाँ पे हमने दिखाया है, एस सी एस टी के लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सर्टिफिकेट रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसी अनुसार बनवा लेना, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि जो है ई सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, तो इस प्रकार से बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है अन्य चीज़ों के बारे में बताया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है जिनके पास एडिशनल चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर पढ़ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही इश्यूज आ रहे थे, तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपको जो फॉर्मेट हमने बताया है उसी फॉर्मेट बनवा लेना है सर्टिफिकेट। और दोस्तों यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वह सभी ओरिजिनल लगेगा, और यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट
जो भी रहेगा वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे अप्रूव रहना चाहिए, इशू रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं और इस चीज़ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, उसको जाकर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। और दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे आपके मन में डाउट है तो उसको जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट रहने चाहिए और आपको जो बनवाना है वो कास्ट सर्टिफिकेट ही बनवा लेना है और इसी फॉर्मेट बनवाना है नया वाला, ठीक है ना। तो जैसे ही अपडेट आता है इसके संबंध में और ज़्यादा तो उसके बारे में बताएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तक लीजिए, जय भारत।